गाइस अभी मैं वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट काम कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 13 दिसंबर 2021 और भाई जिन्होंने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा कि आज जो है मेरा ईडी का एग्जाम है, तो सारी तैयारी अपनी डन हो चुकी है। तो चलते हैं अभी भगवान जी की पूजा करते हैं और फिर मिलता हूँ। वैसे ये मत सोचना आप में से काफी लोग कि आज पेपर है तो भाई भगवान जी को मस्का लगा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं रोज पूजा करता हूँ। तो जी पूजा हो चुकी है, खाना वाना भी खा लिया और ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, तो अभी चलते हैं। 10 बजे तक एग्जाम हॉल पहुंचना है और मतलब 10 बजे तो पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 बजे तक पहुंचना है, तो फटाफट से चलते हैं। अरे जूते तो ऊपर ही डाले, मैं लेके आता हूँ फटाफट। चलो कल धोए थे तो रात भर से यहीं पर डाले, सूख गए। चलो अच्छा है। चलते हैं अब। चलो 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 चलो। भाई पेट्रोल डलवा लेते अपनी गाड़ी में, क्या रुपए लीटर है? 107 रुपए लीटर। 100 का डाल दो भैया। पहुंच चुके अपनी आईटीआई, टाइम से ही आ गए, लेट एट न्यू है। अब देखते हैं क्या हो रहा अंदर। और वैसे अब मैं सीधा आपको ना एग्जाम के बाद ही मिलता हूँ, क्योंकि कैमरा वैमरा तो अलाउ नहीं होगा, फिर मिलता हूँ। चलो बज रहे हैं दोपहर के 1 और अभी जाके हमारा पेपर जो है छूटा है, तो काफी सही पेपर था यार, मजे आ गए करने में भी, काफी अच्छा पेपर गया। तो अभी घर ही जा रहे थे हम लोग। तो जी अभी घर पे पहुंच चुका हूँ और अभी आप लोगों को मैं अपने पेपर का हालचाल सुनाता हूँ। भाई क्या मस्त पेपर आया था और क्या गया है ना, मतलब पूरा 50 नंबर का पेपर आया था और पूरा सही करके आया हूँ। तो आराम से भाई नंबर कट कट के भी 45 के आसपास तो आराम से अपने नंबर आ ही जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। और कल जो है हमारा प्रैक्टिकल है, तो उसका तो उतना कोई टेंशन नहीं है, पर वो भी सरल तो नहीं आता, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो वो तो आराम से कर ही लेंगे। पर पेपर जो है ना वो काफी सही गया है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, जो भी आएगा देख लेंगे। तो गाइस अभी मैं वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट काम कर रहा हूँ, ये देखो सूजी में धागा डालना, बहुत डिफिकल्ट है यार, जा ही नहीं रहा साला, कब से पच रहा हूँ। ये फाइनली भाई ये आ गया, जीत गया विनर, ये लो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और भाई आज हम जाने वाले हैं अपने गांव के मंदिर में, वो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज है भाई मंगलवार, तो इसे हनुमान जी का दिन माना जाता है। और हमारे गांव में एक हनुमान जी का बड़ा सा मंदिर है, मतलब बड़ा भी नहीं बोल सकते और ज्यादा छोटा भी नहीं बोल सकते। तो सुबह सुबह भाई चलते हैं, सुबह बहुत ठंड हो रही है और कैमरे क्वालिटी भी इतनी गंदी आ रही है, अब मैं देखता हूँ इसे डालूंगा भी या नहीं डालूंगा। क्या काम हो रहा है, हाय करो आप भी, हाय चलो खिड़की और खोलो यार। पूजा पूजा सब कंप्लीट हो चुकी है, आप अपने भैया सुनाएंगे अपने मंदिर की भी हमारी स्ट्रगल कहानी है। मंदिर हमारा पहले बहुत छोटा था, हाँ। नीचे से आप जैसे बोलते हैं ना, नीचे से ऊपर गए,
हम हमारा गांव छोटा सा है, हम इतने सक्षम नहीं कितना बड़ा मंदिर बना सकते, फिर भी हमने एक एक कोड़ी बोलते हैं कि तिनका तिनका बीन बीन के जोड़ जोड़ के हमने इतना बड़ा विशाल मंदिर बना दिया। तो चलो जी अब चलते हैं, थोड़ा सा उजाला भी हो गया, थोड़ा थोड़ा अभी दिखाता हूँ मैं बाहर से आप लोगों को मंदिर, क्योंकि आते टाइम तो मैंने दिखा नहीं पाया, अंधेरा बहुत था। तो जी कुछ ऐसा है मंदिर, काफी स्ट्रगल से बनाया गया सबने, मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा चंदा जो है इकट्ठा किया, फिर धीरे 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 धीरे, पहले बहुत छोटा मंदिर था यहाँ पे, तो फिर धीरे धीरे भाई बनाया गया ये मंदिर, मंदिर से तो आ चुके हैं। अब कहाँ चल रहे भैया आप? पोहे खाने। कहाँ? रहड़गांव। सही में खाला ने कम साल रखा है, घूम के आते हैं भाई रहड़गांव तक। सुबह सुबह कितने बज रहा है? घड़ी है ना, मैं नहीं आता तो टाइम देख के बताना पड़ता है। 6:30 बज रही है और घर जाते हैं पोहा खा के आते घर नहीं रहड़गांव। तो जी अभी टाइम हो रहा है 9:25 और एज यूजुअल अपनी कॉलेज का टाइम हो रहा है, 9:30 तक कॉलेज पहुंचना था, मैंने बताया था आज मेरा प्रैक्टिकल है और 9:25 यहीं पे हो गई, तो आज पक्का लेट होने वाले हैं, तो फटाफट से चलते हैं यार अभी। तो जी ये यहाँ पे रुके थे पटेल हार्डवेयर पे, क्योंकि हमें अपनी एग्जाम लेट लेनी थी, देसी भाषा में बोला जाए तो आरी लेना है, तो लेके फिर चलते हैं, लेट हो रहा है, फटाफट चलते हैं। और जी उसके बाद पहुँचे हम अपनी कॉलेज, कॉलेज में काफ़ी शोर होने के कारण मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और कॉलेज पहुँचते ही प्रैक्टिकल के नाम पे जो हमारे से मेटल या लोहा जिसे आप कह सकते हो वो कटवाया है या घिसवाया गया भाई, हालत ख़राब कर दी, मतलब एक फिटिंग जॉब बनानी थी तो वो जॉब को बनाते बनाते भाई हमें 6 कॉलेज में ही बच चुके थे, तो घर पे आके ब्लॉग करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।